हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं बॉइल्ड एग सैंडविच। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले दो बॉइल्ड एग लिए हैं, इनको मैं कद्दूकस कर लेती हूँ। ये मैंने अंडे ग्रेट कर दिए हैं, यानी कि कद्दूकस। अभी हम इसमें ऐड करेंगे प्याज, हरा धनिया और हरी मिर्ची एक। आप चाहें तो हरी मिर्ची स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके टेस्ट के ऊपर है। अब हम इसमें डालेंगे सॉल्ट, रेड चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च। अब डालेंगे 1 चम्मच केचप, टोमेटो केचप, और 1 चम्मच मायनीज। इन सबको अच्छे से मिला लेते हैं। ये सैंडविच बहुत ही टेस्टी होती है, मैं जब भी अपने घर में बनाती हूँ सबको बहुत पसंद आती है, तो आप भी डेफिनेटली ट्राई कीजिएगा। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम ये स्टफिंग जो हमने रेडी करी है, इसको हम एक एक करके ब्रेड में भर लेंगे। सारे कॉर्नर्स में अच्छे से ऐसे ही हम दूसरी सैंडविच भी रेडी कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने दोनों के अंदर स्टफिंग भर दी है। अब हम इसको पैन में रेडी करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने ये पैन गर्म करने के लिए रख दिया है और मैंने सैंडविच को एक साइड से ग्रीस कर लिया है, तो उस साइड को हम तवे पे पैन पे रख लेंगे। ऐसे ही दूसरी सैंडविच भी हम पैन पे रख देते हैं, और जब तक ये उस साइड से पकता है हम इस साइड ग्रीस कर लेते हैं। आप ऑयल, घी, बटर जो आपको प्रेफर हो आप वो यूज़ कीजिए। अब इसको पलटा लेते हैं, फ्लिप कर देते हैं दूसरी साइड। वाओ, कितना अच्छा क्रिस्प हुआ है ये, आप देख सकते हैं। ऐसे ही हम दूसरी साइड से भी पका लेते हैं इसको। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये हमारे सैंडविच तैयार हैं, कितने ही अमेजिंग लग रहा है इस लुक से देखिए। तो आप भी ये सैंडविच ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।